नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा ने अपना अपील पत्र जारी करते हुए क्षेत्र की जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने क्षेत्र में उनकी तरफ से किए गए विकास कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि उनके 5 साल के कार्यकाल में विधानसभा की स्थिति बदली है। यहाँ चौमुखी विकास हुआ है। हर वर्ग, क्षेत्र, जाति और धर्म का सम्मान करते हुए उनका विकास और उनकी समस्याओं का समाधान किया गया है। जनता से अपील करी है कि भाई आप अपना सहयोग, अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी में बनाएं और अपने भाई और बेटे सौरभ बहुगुणा में बनाएं। और हमने उस अपील के द्वारा लोगों को बताया है कि पिछले 5 वर्षों में जो उन्होंने 2017 में वोट दी थी उसका इस क्षेत्र को कितना फ़ायदा मिला है भारतीय जनता पार्टी को वोट देके। और उम्मीद यही करी है कि 2022 में भी जनता जो है अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी बनाएगी मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और अपने भाई और बेटे सौरभ बहुगुणा को फिर से विजयी बना के इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका। वहीं काशीपुर में सभी प्रमुख दलों के उम्मीदवार जहां अपने प्रचार के दौरान जनता को तरह तरह के वादे कर लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं बसपा प्रत्याशी गगन काम्बोज का कहना है कि इस बार काशीपुर में राजा और रंग के बीच चुनावी लड़ाई रहेगी। जनता ने राजा को भी कई साल देख लिया और 20 साल से चुनाव जीता रहे चीमा को भी देख लिया, इसलिए अब जनता इनके युवराज पर बिल्कुल भी भरोसा करने वाली नहीं है। देखिए, अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, हर चौखट से प्यार मिल रहा है, हर गांव का यूथ एकजुट है, पूरे शहर का जैसे यूथ एकजुट है, हर गांव-गांव से एक एक मेरा युवा साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। हर घर में माँ बेटी बहन से प्यार और स्नेह प्राप्त हो रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अपार जन समर्थन मेरे को काशीपुर की जनता देगी, हर गाँव से हर चौखट से इतना प्यार मिलेगा। सबसे पहला मेरा मुद्दा स्वास्थ्य का है। इन 2 साल में पूरे काशीपुर ने देखा है, हाहाकार मची है, हर परिवार ने कोई ना कोई अपना खोया है। अगर ये जनप्रतिनिधि अगर जागे होते तो शायद किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना पति, किसी ने अपना भाई नहीं खोया होता। मेन सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है, उसी के लिए सबसे मेन लड़ाई मेरी स्वास्थ्य की है। मैं तो 2-2.5 साल से लड़ी है, हर परिवार के एक सही इलाज काशीपुर में मिले, ये ना हो कि जिसके पास पैसा वो दिल्ली जाकर इलाज करा ले और जिसके पास नहीं है वो अपना घर में मारे। काशीपुर का सरकारी अस्पताल में भी जो नहीं हुआ है वो होगा, सारी इलाज की सुविधाएँ यहाँ होंगी, कहीं काशीपुर की जनता को काशीपुर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हरिद्वार में जैसे ही कांग्रेस और बीजेपी ने अपने टिकट की घोषणा की, दोनों ही पार्टी में बगावत के सुर उठने लगे। इसी कड़ी में लक्सर से कांग्रेस के दावेदार और 2 बार के विधायक हाजी मोहम्मद तस्लीम को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो पूर्व विधायक ने पार्टी का दामन छोड़ दिया और आजाद समाज पार्टी में चले गए। आजाद समाज पार्टी ने हाजी मोहम्मद तस्लीम को लक्सर से प्रत्याशी बनाया है। हाजी मोहम्मद तस्लीम से बात की हमारे सहयोगी मोहम्मद अजीम ने। इस दौरान क्या कुछ उनका कहना है आपको सुनवाते हैं। लक्सर विधानसभा एक ऐसी सीट है जिस पे पिछले 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। हाजी तस्लीम जो 2 बार से पहले विधायक रहे हैं यहाँ पर, इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया और वो आजाद समाज पार्टी में चले गए। बात करते हैं किस तरह की उनकी तैयारियां हैं। अब हाजी जी क्या कहेंगे, कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया, आप आजाद समाज पार्टी में चले गए हैं, किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ सब जगह चर्चा थी कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और कांग्रेस सरकार बना रही है, लेकिन हम लोगों का टिकट काटकर हमारा जो जिले में सबसे अधिक समाज है उनमें से हमें किसी का भी एक टिकट नहीं दिया कहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस बहुत नीचे पहुंच चुकी है हरिद्वार जिले में और कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा कि हम इतने बड़े समाज में टिकट हमारे काटे गए हैं। रही कलियर की और मंगलौर की, ये पार्टियों के बहुत बड़े एहसान नहीं हैं। वहाँ जो मुस्लिम समाज अधिक है वो चाहे कोई सी पार्टी में उधर चला जाओ या कोई सी पार्टी में इधर चला जाओ, वो वहां के अपने बलबूते पर सीट निकालते हैं। बसपा ने जो मंगलौर का चुनाव जब चेयरमैनी का हुआ,
तो बसपा का विधायक सरबत करीम रहते हुए उनकी मर्जी से टिकट दिया जाना चाहिए था, बसपा ने उनकी मर्जी से टिकट नहीं दिया बल्कि दूसरे आदमी को टिकट दे दिया और वो मात्र 200-400 वोटों पे ही रह गया और सरबत करीम निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर अपने चेयरमैन बना दिया। तो इसलिए मैं कह सकता हूं इन दो सीटों पर कोई पार्टी का बहुत बड़ा एहसान नहीं है, लेकिन बाकी सीटों पर जो इतना बड़ा समाज है और उसे एक भी टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस खुद देखेगी कि कितना बड़ा नुकसान हरिद्वार के अंदर उठाना पड़ा। बस मैं ज़्यादा क्या कहूँ, जनता को निराश करा है और मैं इसके बाद जनता के ही मांग पर जनता का ही रुख देखते हुए जनता की मोहब्बत में यहाँ तमाम सारे पूरे समाज के जितने हमारे सर्व समाज है पूरे के पूरे लोग थोड़ा कैसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि पहले भी दो बार विधायक के रूम में हमने यहाँ सेवा करी है। तो इस बार जब हमने देखा कि लोगों का रुझान है तो मैंने आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी की उसे मैंने फिर अपनाया है। यहाँ पर कल लक्सर में जो है आपके ही समाज से हाजी मोहम्मद शहजाद मैदान में उतरे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए मैं ये समझता हूँ हाजी शहजाद जो हैं वो शायद इस भूल में इधर फंस गया। लक्सर सीट पर हमारा लक्सर के अंदर के विधानसभा के अंदर के ही प्रतिनिधियों का हक बनता है, 5 साल मेहनत करते हैं, जनता से हर वक्त में। समाज पार्टी के बारे में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, उन्होंने कहा है कि ये गुंडों की पार्टी है, क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ अगर उसमें शायद अकल होती तो वो किसी समाज के एक समाज के बारे में गुंडा लफ्ज जवानों के बारे में करे, वो उन्हीं की औलाद है जिस पार्टी से जिस पार्टी के भरोसे लड़ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा खुमियाजा इसे भरना पड़ेगा। आप और हम सब जानते हैं जब बच्चे नौजवान पढ़े लिखे और अपने में होशियार हो जाते हैं तो माँ बाप एक तरह से उनके मशवरे के बगैर एक कदम नहीं उठा सकते, और जिनके बच्चों को गुंडा तक कह दिया गया है तो ये तो समझो वो माँ बाप को घर से निकाल लेंगे या ये औलाद को घर से निकाल लेंगे। जीत का दम भरने के मैं जीतूंगा यहाँ से। देखिए ये तो सपनों में पालते ही हैं कि क्या होगा, ये तो जाकर 10 मार्च को पता लगेगा कि क्या सपने पाल के आए हैं। आप सब देख लेंगे कि इसका सपना ही सपना रह जाएगा। लोग इसे जो गलत निर्णय लेते हैं, भाई इधर यहाँ मेहनत करते हैं विधानसभा लक्सर के और तुम मेहनत करी करी को ठगने आ जाते हो यहाँ, भाई बहुत ताकतवर है, बहुत अच्छा नेता है, बड़ा नेता है, बहुत मानते हैं हम। आपका टिकट तो काटा गया, किसका रोल मान रहे हैं हम? देखिए मैं तो कांग्रेस पार्टी का ही जो भी दोष होगा वो होगा, अगर पार्टी कहीं किसी के हाथ पे खेल रही हो तो मैं ये भी नहीं कह सकता किसके हाथ पे खेल रही है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये पार्टी ने गलत निर्णय लिया है और इसका बहुत बड़ा खुमियाजा यहाँ भरना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ हाजी तस्लीम जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि लक्सर में कांग्रेस पार्टी ने बहुत गलत निर्णय लिया है और इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में अब भुगतना उनको पड़ सकता है। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार, लक्सर। मयूरिया में चुनाव प्रचार के मद्देनजर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन आतंकियों का साथ देने वाला और सपा को आतंकियों की सरकार बताया है।
बीजेपी अध्यक्ष ने इटावा से औरैया सड़क मार्ग के रास्ते औरैया जनपद की चालौन चौराहा स्थित वाटिका में वहां पहुंचे। वो यहां पर मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर सांसद समेत बीजेपी के जिलाध्यक्ष तीनों प्रत्याशी भी मौजूद रहे। संबोधन के दौरान भारी बहुमत से बीजेपी सरकार को पुनः जिताने के लिए लोगों से अपील की गई। बरेली में मतदान के लिए कुछ ही दिनों का समय बचा है। ऐसे में हर पार्टी दिग्गज के साथ आम कार्यकर्ता अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। लेकिन इस भीड़ में एक ऐसा भी शख्स है जो आम होते हुए भी खास है। वो हर रोज अपनी पार्टी के लिए 2 से 3 सभाएं करने के साथ एक स्टार प्रचारक की भूमिका भी निभा रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रमोद यादव, जो किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है। प्रमोद यादव का कद 3 फुट 5 इंच है। पेशे से वकील है, लेकिन सियासत में उनका खास किरदार है। प्रमोद यादव इन दिनों चर्चा में है और समाजवादी की बरेली की 9 विधानसभा सीटों पर खास मेहनत कर रही है। इतना ही नहीं, उनके साथ पूरी टीम मेहनत करती दिखाई दे रही है। फिलहाल बरेली में समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं से हमारे संवाददाता ने रोजगार और तमाम जरूरी चीजों को लेकर बातचीत की है। इस रिपोर्ट को देखिए। 3 फुट 5 इंच के एक नेता जी हैं, जिनका नाम है प्रमोद विश्व, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अक्सर अखिलेश यादव के करीबी रहा है और अखिलेश यादव के खास माने जाते हैं। उसी में से हम बात आज करेंगे कि इस बार सियासत का जो रंग है वो किस तरीके का रंग है और इस बार जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियों से कैसे लड़ेंगे और बिथरी की सीट और जो बरेली की 9 विधानसभा सीट है वो किस तरीके से जिताने का काम करेंगे। प्रमोद जी, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। किस तरीके की चुनौतियाँ हैं और 2022 का चुनाव चल रहा है, इसको लेकर 9 सीटें जिताने का अखिलेश ने आपको मंत्र भी दिया, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं। अगर चुनौती है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के सामने है। हमारी तो लाइन क्लियर है, समाजवादी पार्टी 9 की 9 विधानसभा में हम लोग जीत का परचम लहराएंगे और चुनौतियां तो उन्हें स्वीकार करना होगा। हमारे आगे चुनौतियां नहीं है, चुनौती देने वाले हम हैं और स्वीकार वो करेंगे या नहीं कर पाएंगे वो लोग जाने। ये प्रमोद यादव जी हैं और उनके साथ और भी लोग हैं, संजीव सक्सेना है, हैदर अली हैं, जो समाजवादी पार्टी के एक अपने आप में मजबूत नेता के तौर पर माने जाते हैं। उनके ये अखिलेश के भी करीबी माने गए, उनसे संजीव जी से भी बात करेंगे कि संजीव जी, 2022 का चुनाव का आगाज हो गया है, बरेली की 9 विधानसभा सीट जीतने हैं, किस तरीके से जीतेंगे? काम के बूते पर विकास जो उन्होंने करा 12 से 17 तक, वर्ष 12 से 17 तक जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने विकास करा है, उस विकास पर हम जीतेंगे। और ये नकारा सरकार ने कुछ नहीं किया, इस बात पर हम जीतेंगे। एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति चुन चुन कर वोट देने के लिए साइकिल के लिए तैयार बैठा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनने जा रही है। और बरेली से हम लोग 9 सीट जीत कर दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिफ्ट में, और हर हालत में हम लोग साइकिल की सरकार बनाने जा रहे हैं। विकास ही विकास होना है। जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सरकार बनाएंगे, हर क्षेत्र में चाहे वो 300 यूनिट बिजली हो, चाहे यौन शोषण के को रोकना हो, चाहे कोई बेरोजगारी हो, चाहे रोजगार की आवश्यकता हो, सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे उस हर आदमी को। जानना चाहेंगे, विधानसभा की 9 सीटें हैं पूरी, आप 300 प्लस की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से एजेंडा है, क्या टीम तैयार की गई युवाओं के लिए, किस तरीके से पार्टी से? देखिए, ऐसा है, 300 प्लस की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बरेली में 9 सीटें हैं, 9 की 9 बरेली की जनता समाजवादी पार्टी को देने जा रही है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत, मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गर्म है, मुद्दा भी गर्म है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है, इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुंच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है? हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया।
भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे को डर भैया। तो अपना ने लूटा गैरों में का दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे पढ़ते हैं। कुशीनगर के रामकोला सुरक्षित सीट से बाहरी प्रत्याशी विजय कुमार को टिकट मिलने के बाद कार्यालय पहुंचे विजय कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध में कई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अपने जनपद के लोगों को टिकट देना चाहिए, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने बसपा सुप्रीमो को भ्रमित कर बाहरी लोगों को टिकट दिलाया, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। साथ ही पार्टी सुप्रीमो से प्रत्याशी बदलने की मांग भी कर रही है। इसलिए विरोध कर रहा हूं कि अभी 10 दिन 20 दिन पहले यहाँ के जो पूर्व जिला सचिव जिला अध्यक्ष हरिंदर कुमार गौतम को बहन जी द्वारा निर्देशित किया था कि आप क्षेत्र में घूमिए। बहन जी के निर्देश पर यहाँ के जिलाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष हरिंदर कुमार गौतम पूरे गांव-गांव में अपना वोट संपर्क कर रहे थे, वोट की अपील कर रहे थे, अपने वोट मांग रहे थे। और इसके बाद कल से परसों सूचना ये मिला कि यहाँ के विजय कुमार गौतम जो यहाँ चौरी चौरा के रहने वाले हैं जिला गोरखपुर, उनको आज रात में ही उनको ब्लर कह रहे कि वहाँ के रामकोला के विधानसभा प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं। इस पर हमने विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि हमेशा ये लोग यहाँ जिले के ATM बनाए हैं यहाँ के कोऑर्डिनेटर, और पैसे के अभाव में किसी को टिकट कर दिया जा रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय सुश्री बहन मायावती जी के निर्देश के क्रम में रामकोला सुरक्षित 335 से आदरणीय विजय कुमार साहब को प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया गया है। और इस आशा उम्मीद के साथ आप लोग को अवगत कराना चाहते हैं कि भारी से भारी मतों से सुरक्षित सीट रामकोला से हम लोग दर्शकों, चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। इसी कड़ी में अमेठी के गौरीगंज विधानसभा से समाजवादी प्रत्याशी राकेश प्रताप लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका चुनाव को लेकर, कैसी उनकी तैयारियां हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता योगेंद्र श्रीवास्तव ने। आप इस रिपोर्ट को देखिए। चुनाव का आगाज हो चुका है। ये हम अमेठी जनपद के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में और समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह हैं, जो कि मौजूदा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी हैं। ये सुबह का समय है और सुबह के समय ही इनके आवास पे
सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ है, समर्थकों की भीड़ है। इन समर्थकों के मिलने के बाद क्षेत्र में निकलेंगे और लोगों की जन समस्याएं भी सुनेंगे। रविवार का दिन है, रविवार को जनता दरबार करते थे विधायक जी, तो ऐसे में कैसे प्रचार कर पा रहे हैं? लोगों के बीच पहुंचने में तो समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा होगा। नहीं, ठीक है, ये तो पिछले लगभग 20 साल से रविवार को जनता से मिलता हूँ और लोगों की समस्याओं का निस्तारण करता हूँ। और अब ये जनता है, इसको तो ये समझ थोड़ी सी शायद कहीं ना कहीं समझ की कमी है कि अब चुनाव भर इसको बंद करके और हमारे लिए अब काम करना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये जो चाहते हैं मैं वही करता हूँ। जैसा जनता चाहेगी घर पे बैठूँगा तो इनके साथ यहाँ रहूँगा, एक एक आदमी की यहाँ पहले बात सुनूँगा, उसके बाद क्षेत्र में जहाँ भी कार्यक्रम है वहाँ जाऊँगा। जैसे इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, सारी पार्टियां, सारे प्रत्याशी मैदान में हैं और लोग समस्याएं लेके आ रहे हैं, तो इन समस्याओं का निस्तारण किस तरीके से कर पा रहे हैं? ठीक है, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जनता की, और किसी का नाली पंडोहे का विवाद है, किसी का आबादी की जमीन का विवाद है, किसी का कुलिया और मेड़ पेड़ का विवाद है, छोटी छोटी, तो उसको समझा के दोनों पक्षों को बुला के या तो 2-4-5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बना के समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। जो झगड़े लड़ाई हैं मर मुकदमे का है, उसको थाना तहसील में फ़ोन करके इनको न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है। और मुझे लगता है कि 80% मामले जो हैं जब व्यवहारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हुए निस्तारण का प्रयास किया जाता है तो हो जाता है। आपने अभी विधानसभा से जनता की समस्याओं के लिए त्यागपत्र दे दिया। ये देखा जाता है कि सभी दल, चाहे सत्तारूढ़ दल हो या अन्य हो, वो लोग अपनी समस्याओं, अपनी बात करते हैं, तो आपने उस रोड को भी बनाने का प्रयास किया, प्रशासन ने रोका और उसके बाद आपने कोर्ट तक गए, तो क्या हुआ उस रोड का जो आपके क्षेत्र में डैमेज रोड का आपने उठाया था? वो रोड अभी नहीं बन पाई है, कुछ गड्ढा मुक्त हमने कर दिया था अपने प्रयास से, उसको भी करने नहीं दिया जिला प्रशासन ने और सरकार ने। तो अब हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट में जवाब मांगा था, उसके बाद कोविड फिर आ गया, अभी ऑनलाइन कोर्ट चल रहा है, लेकिन कोर्ट में मामला चल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय उसमें ऐसा निर्णय करेगी कि सरकार को और विभाग को विवश होकर उन कामों को करना पड़ेगा, और नहीं तो जैसे ही 10 मार्च को ये सरकार का परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, मैं सत्ता दल के लोगों से केवल 2 फड़कों के लिए तो मैं गया, उस पर दौड़ा कर लें सत्ता दल के लोग अधिकारियों के साथ, अगर सत्ता में है तो उनके साथ विभागाध्यक्ष जा सकता है, जिला अधिकारी जा सकता है, और खुद वो जाके देखें कि उन फड़कों का क्या हाल है। मैं और कुछ फड़कों का जिक्र करना चाहूँगा कि यहीं मणिपुर से पनरी एक फड़क है, लगातार मैं बात को उठा रहा हूँ, और पूरी तरह से ध्वस्त हुई पड़ी है। इस तरह से 25 फड़क हमारी विधानसभा की हैं जो लगातार मैं लिखा पढ़ी कर रहा हूँ, सदन में उठाया, और पूरी तरह से सरकार और विभाग अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन करने में विफल रही है, और जिसका खामियाजा इनको 27 फरवरी को भुगतना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव है तो इस बार गौरीगंज विधानसभा में क्या मुद्दे होंगे? देखिए, हमारा जो व्यक्तिगत अपना मुद्दा है, बाकी सरकार ने तो अब जो किया उसकी कमियों को लोगों के बीच में लेके जाता हूँ। बाकी जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीछे कहा था जब 2012 के पहले, उसको 2012 से 17 तक किया, जो भी काम आपको उत्तर प्रदेश में या हमारे यहाँ दिख रहा होगा, आप 102 नंबर देख लीजिए, 108 नंबर देख लीजिए, 112 नंबर को 112 नंबर किया गया, जो भी काम आपको दिखेगा वो केवल अखिलेश यादव के समय का दिखेगा। इस सरकार में 5 साल में कुछ नहीं किया गया, केवल गरीब जनता को लूटने का काम किया गया और 10 किलो अनाज देके और गरीब बनाने का काम किया गया। अगर संगठन की बात करें तो अन्य संगठनों में दिखाई पड़ रहा है कहीं ना कहीं फूट, आपके साथ संगठन भी दिखाई पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है इससे? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं युजन सभा का जिला अध्यक्ष 8 साल रहा, और उसके बाद मैं BDC भी रहा, ब्लॉक प्रमुख भी रहा, विधायक हूँ, तो मैं संगठन को साथ लेके चलने का प्रयास करता हूँ। हाँ, 1-2 लोग संगठन में होते हैं जो कुछ मतभेद भी होते हैं, नहीं साथ चल पाते हैं, उनकी अपने काम करने के तरीके होते हैं, हमारे अपने काम करने के तरीके हैं, तो जहाँ 4 बर्तन हैं वहीं खनक की आवाज़ होगी, जुड़ाव और अलगाव लगा रहेगा, भटकाव न हो। तो संगठन को भी इस चुनाव में आप जोड़ के चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, बिना संगठन तो महत्वपूर्ण है, संगठन के बिना कुछ नहीं हो सकता, और संगठन के दम पे ही चुनाव लड़ा जा सकता है।
ये 2022 के चुनाव को लेकर राकेश प्रताप सिंह से उनके आवास पर एक विशेष बातचीत चुनावी चर्चा में। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव अमेठी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया। मेरे भारत में लोगों को